हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे चैनल पे 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो जब बात इतनी खुशी की है तो कुछ मीठा खाना तो बनता ही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया है आटे का हलवा, जिसे कड़ा प्रसाद भी कहते हैं, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ, तब तक आप देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और रेसिपी चेक कीजिए। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी घी ले लिया है। ये घी अभी जमा हुआ है, तो ये पिघलने के बाद बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसी सेम क्वांटिटी के कटोरी में मैंने लिया है एक कटोरी शक्कर, और सेम ही मैंने लिया है यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा। इन तीनों को हमें मेजरमेंट बिल्कुल सेम रखना है, बराबर रखना है, इसलिए किसी एक कटोरी से ही इसका मेजरमेंट करें। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, छोटी सी इलायची, और यहाँ पर मैंने लिया है नारियल चूरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आप इसे डालेंगे तो मुझे यकीन मानिए इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मैं उसी सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी लूँगी हलवे के लिए। अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो उसमें 2 कटोरी पानी लगेगा। इस पानी को हमें पहले गर्म कर लेना है, शक्कर और इलायची डाल के उसकी चाशनी बना लेनी है। तो इसे मैं पहले साइड में रख लेती हूँ, और यहाँ पर इस कटोरी के शक्कर को हमें इसमें मिक्स करना है, और साथ में इस इलायची को भी कूट कर डालना है पानी में। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में सबसे पहले घी डाल दूँगी इसे मेल्ट करने के लिए। घी को हमें सिर्फ पिघलाना है, उसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो आप जब उसमें आटा डालेंगे तो आपका आटा जलने लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर घी मैंने पिघलाने के लिए डाल दिया है, जो कि अच्छी तरीके से पिघल गया है। अब मैं ये आटा इसमें डालकर इसे कंटिन्यूसली चलाते रहूँगी, जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ना हो जाए, मतलब कि आटा थोड़ा सा पक ना जाए। तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके हाथ बहुत दुखने वाले हैं। तो जब अगर आपको कुछ मीठा खाना है इतना टेस्टी सा, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही। तो इस तरीके से इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, ताकि जो आटा है वो बिल्कुल जले ना। और एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे धीमी आँच पर ही पकाएं, तेज़ आँच बिल्कुल ना करें। इस हलवे को बनाना तो वैसे बहुत ही आसान होता है, बस ज़रूरत है तो थोड़े से पेशेंस की। इसीलिए इसे पेशेंस के साथ बनाएं, ताकि जो आपका हलवा है बहुत ही अच्छा बने। और अगर आप इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो वो जलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं इसे इसी तरह लगातार थोड़ा सा भूंज लेती हूँ, क्योंकि अब ये थोड़ी देर में पकने वाली है, मतलब इसका कलर चेंज होने लगा है। तब तक मैं यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पानी गर्म होने चढ़ा दिया है, जिसमें मैं डाल दूंगी इलायची थोड़ा कूट कर, और डाल दूंगी इसमें शक्कर। शक्कर को हमें पूरा मेल्ट करना है, इसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रखना है, मतलब इसकी पूरी चाशनी बना लेनी है। इस चाशनी को हमें गर्मा गर्म ही आटे में डालना है, इसलिए जब आपका आटा आधा पक जाए उसके बाद ही ये चाशनी बनने के लिए आप चढ़ाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, मतलब चाशनी बनकर तैयार है। तो ये देखिए, जो हमारा आटा भी हमने घी के साथ भूंज रहे थे उसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है, आटा भी अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसमें गर्मा गर्म चाशनी ही साइड से डालते जाएंगे और इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए कितना स्मोकी हो गया है ये, क्योंकि पूरा धुआं उठ रहा है उसमें से। तो इसके तुरंत बाद ही हम इसमें डाल देंगे नारियल का चूरा और काजू जो हमने काट कर रखा था। तो इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि ये अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए, मैं इसे लगातार चला रही हूँ, जिससे इसमें एक भी गांठें नहीं पड़ी हैं। और ये हलवा जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, इसमें से घी भी ये छोड़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, हलवा तो हमारा बिल्कुल लगभग बनकर तैयार ही हो गया है। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी बस 1 चम्मच ऊपर से घी फ्लेवर के लिए,
और इसे भी कर लूंगी अच्छी तरीके से मिक्स। क्या हलवे में जब तक घी ना हो भरपूर तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसे भी मैंने कर लिया है मिक्स और हमारे आटे का हलवा कहें या फिर कड़ा प्रसाद बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसके साइड साइड से ये घी छोड़ने लगा है जो कि कितना टेस्टी लग रहा है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे पता है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी।